एक नौजवान तो कान में वो क्या की टिक्की आती है ना, क्या बोलते हैं सर, ब्लूटूथ ईयरबड की, क्या की कह रहे हो, कान में इतना थे वो दिख रहा भी नहीं। वो पहले जमाने में बोड़े रखते थे, वो बहरे बहरे रख लेते, हाँ कान के अंदर रख लेते थे। अब क्या है बोलकर बोले तो यहाँ अच्छे रख ले रही। और फिर और एक फर्क सुनो क्या, पहले जमाने में बहरे जब रखते थे उनको सुने आता था वो रखे तो, ये जमाने के बहरे जो रख रही है रखने के बाद उनको सुने नहीं आता। वो रखते थे तो उस जमाने में जिसके कान का पर्दा फूट गया, नाना नहीं सुने आता, नाना नहीं सुने आता, जाको नाना जाको देता था तो रख ले को, नाना हाँ बोल रहे सुने आ गया। अब इन्हें सलामत अच्छा कान सही सब अच्छा है। अब पुकार है मामू 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 का है, मामू जहन्नम में पड़ा है। गाना सुनना क्या मौलाना, जहन्नम। फिल्म देखना क्या, जहन्नम। वुजू करते करते भी वो नौजवान कान में बड्स रखा हुआ है, वुजू कर रहा है। हाँ हाँ हूँ अच्छा आरो रखो बाद में क्या रही नहीं, वुजू किसे किसे वुजू करते करते, क्योंकि हदीस में है कि वुजू करने वालों के सामने फरिश्ते होते ही ना, फरिश्ते से बात। इतना बड़ा मकाम पा लिया ना इन्हें, बहुत जल्दी इतने बड़े दर्जे में चलेगा ना इन्हें, क्योंकि बोलकर देख कान में क्या किया, बोला वजू कर रहा है, अल्लाह अकबर। मेरे आखा क्या फरमाते हैं कि वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वजू करे तो भी वजू हो जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ कर वजू करे तो भी वजू हो जाता, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वजू करोगे जो चीज़ें तुम्हें धोते हैं वो चीज़ें पाक होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ कर वजू करोगे तो पूरा जिस्म पाक होता है। हाथ वुजू करने से पहले की दुआ, फिर हाथ धोने की दुआ, कुल्ली करने की दुआ, नाक में पानी डालने की दुआ, चेहरा धोने की दुआ, सर का मसा करने की दुआ, दोनों हाथ धोने की दुआ, कान का मसा करने की दुआ, गर्दन का मसा करने की दुआ, पांव धोने की दुआ, वुजू के बाद की दुआ। आहा कभी जिंदगी में सोचो मेरे नौजवानों, दुआओं से आरास्ता कभी जिंदगी में ऐसा वुजू हमको नसीब हुआ। आज रोजी रोटी का रोना, तुम्हें भी रो रही हमें भी रो रही। क्या बात, खैरियत क्या, अल्लाह का फजल बोलता था, खैरियत क्या हूं है। खैरियत क्या हूं है, कैसे बात चल रही, मैं पा रहा उन्हें उतरे तक क्या भी होता नहीं हजरत। अरे उससे भी हमारी रोजी को क्या बता लो, उन्हें कौन गेरे हल्ली के मुसलमानों, टुमकुर के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह ने हमारी रोजी को उसके साथ जोड़ा नहीं। कौन उन्हें हमारे नाश्ते का जिम्मेदार, हमारे दोपहर का जिम्मेदार, हमारे रात के खाने का जिम्मेदार, हमारे चाय और दूध का जिम्मेदार कौन साहब उन्हें। मुल्क को चलाने वाला हमारा पेट चलाने वाला नहीं है, हमारे पेट का मालिक तो अल्लाह है। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने हमको ये बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे तू जा दुनिया में मेरी इबादत कर, रोजी रोटी का टेंशन मत ले, इबादत करना तेरा काम है, तुझे पालना मेरा काम है।